किसी किसी व्यक्ति को अपने से बड़ी उम्र की औरतें या कहें तो मैच्योर वीमेन काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसे मिल्फ या मॉम टाइप वीमेन कहा जाता है। तो वो सवाल करते हैं कि क्या यह नॉर्मल है कि मुझे अपनी से बड़ी उम्र की औरतें अच्छी लगती है। तो आइए आज इसी पे बात करेंगे। देखिए, इसमें नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी जैसी कोई बातें नहीं है। आपके दिमाग में पहले से ही एक आंसर डाला गया है कि लड़कियां जो होती है सेक्स के पर्पस से 20 वर्ष की अंडर 25 ज्यादा बेस्ट या ज्यादा बेहतर होती है, या सीधे से शब्दों में कहें तो कुंवारी लड़कियां ज्यादा बेहतर होती है। तो आपके दिमाग में जो आंसर बैठा हुआ है ना, इस आंसर को यदि निकाल दीजिएगा ना, तो ये प्रश्न ही नहीं बनेगा कि मुझे अपनी से बड़ी उम्र की औरतों से आकर्षण क्यों होता है। यह प्रश्न ही नहीं बनेगा, गलत उत्तर ही आप अपने दिमाग में बैठा लिए हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब कई लोग ये सोचते हैं कि बड़ी उम्र की औरतें ज्यादा अच्छी होती है प्ले करने के लिए, या तो अंडर 20-25 अच्छी होती है। तो ये भी एक गलत बिलीफ आपके अंदर बैठा हुआ है, इस बिलीफ को निकाल दीजिएगा ना, तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। देखिए, हर मेल का सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग अलग होता है बचपन से ही। तो अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के आधार पे ही आगे चल के वो मैच्योर वीमेन को अपने फीमेल सेक्स पार्टनर के रूप में देखना चाहेगा कि टीन गर्ल को देखना चाहेगा, या अपने उम्र की फीमेल को देखना चाहेगा। जिसे भी देखना चाहेगा वो उसके अंदर के सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई लड़का अपने ही घर में अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में, यानी कि 10 वर्ष से पहले, अपने घर के किसी भी फीमेल को नग्न देख लेता है और वो मैच्योर है, तो आगे चल के 99% संभावना बनती है कि वो बड़ा जब होगा, युवक जब होगा, तो वो अपने से बड़ी उम्र की फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होगा। और मॉम सन इंसेस्ट फैंटेसी या मैच्योर वीमेन को पसंद करने के पीछे भी यही साइकोलॉजिकल रीजन है कि अपने घर में ही शुरुआती अवस्था में, जीवन के शुरुआती अवस्था में कुछ वैसा देख लेता है। तो इस तरह के प्रश्न बेबुनियाद हैं, आपके अंदर गलत बिलीफ के कारण आए हैं कि बड़ी उम्र की औरतें अच्छी होगी या कम उम्र की अच्छी होगी, और मुझे अपने से बड़ी उम्र की औरतें पसंद आती है, तो क्या यह नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। नहीं, आपको फीमेल पसंद आती है, बस यही नॉर्मल है। बड़ी उम्र छोटी उम्र मायने नहीं रखता, ये आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग निर्धारित करता है कि आप बड़ी उम्र की औरतों को लाइक करेंगे या छोटी उम्र की औरतों को लाइक करेंगे। तो आशा करता हूं कि मेरी इस बातों को समझे होंगे। अपने अंदर से ये बिलीफ हटाइए, ये रॉन्ग जो आंसर बैठ गया है उसको हटाइए कि कम उम्र की और लड़कियां ही अच्छी होती है सेक्स पार्टनर के लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।